हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। एक बार फिर से मैं ट्रिप गोगू का न्यू पार्ट लेके आ गया। सिंपल सा आपको एक लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है अगर आप नए हो, और एक कमेंट करना है। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जब डॉक्टर डूम ब्लैक पैंथर को मार डालता है, फिर सीन वकांडा में जाता है। गोकू, वोंग और ब्रूस बैनर वहां पर पहुंच जाते हैं। इसके बाद वहां पर ब्रूस बैनर, वोंग और गोकू का वेलकम किया जाता है। तब वहां पर ब्लैक पैंथर की बहन शूरी आती है। वो ब्रूस से पूछती है, ब्रूस यहाँ कैसे आना हुआ और ये कौन है? ब्रूस बताता है, ये मेरे दोस्त हैं और हमें तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। शूरी पूछती है, कैसी मदद? ब्रूस बोलता है, तुम्हारे यहाँ वाइब्रेनियम की टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छी है, इसलिए हमें वो चाहिए। शूरी ब्रूस को डायरेक्ट मना कर देती है और कहती है, हमारे यहाँ ऐसे रूल नहीं है, हम यहाँ की टेक्नोलॉजी को किसी को भी नहीं दे सकते। ब्रूस बोलता है, बट इसमें हर्ज ही क्या है? तुम्हारे पास वाइब्रेनियम का भंडार है और लोग इसे यहाँ से चुरा कर ले जाते हैं, तब भी तो तुम कुछ नहीं करती। तब शूरी बोलती है, तुम भी तो वही कर रहे हो, फर्क बस इतना है कि तुम सामने से मांग रहे हो। तब वोंग बोलता है, देखो मैडम, हमारे पास इस वक्त बहस करने का समय नहीं है। डॉक्टर डूम कुछ भी कर सकता है, उसे रोकने के लिए हमें आपकी मदद चाहिए। तब शूरी डॉक्टर डूम का नाम सुनकर शॉक्ड हो जाती है और वो उन्हें बताती है कि मेरा भाई इस वक्त डॉक्टर डूम को हराने के लिए गया है। तभी वहां पर वकांडा का खबरी आता है और वो बताता है कि किंग अब नहीं रहे, डॉक्टर डूम ने उन्हें मार दिया। ये सुनकर सारे वकांडा के लोग हैरान हो जाते हैं और सभी उदास हो जाते हैं। तब गोकू बोलता है, ये उदास होने का वक्त नहीं है, हमें उसे मिलकर हराना होगा और आपकी मदद के बिना मैं उसे नहीं हरा पाऊंगा। तब शूरी कहती है, मैं मदद करूंगी। इसके बाद सीन सीधा ड्रैगन बॉल वर्ल्ड में जाती है। ब्रोली अब न्यू गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन चुका है, लेकिन अभी उसके पास एक्सपीरियंस की कमी है और बाकी यूनिवर्सेस के भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन रेडी हो जाते हैं और वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वही बनते हैं जो उनके यूनिवर्स के मोस्ट पावरफुल फाइटर होते हैं। अब सभी एंजल्स भी एक्टिव हो जाते हैं और विश की पावर्स भी अब आ चुकी है। तभी वहाँ ग्रैंड प्रिस्ट को एक साथ कई एनर्जी सेंस होती है और वो एनर्जी आने वाले खतरे की तरफ इशारा करती है। ग्रैंड प्रिस्ट को इस एनर्जी को सेंस करके ये लगता है कि कहीं वो सभी वापस तो नहीं आ गए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्या मुझे इसके बारे में जैनो से बात करनी चाहिए? नहीं, वो मेरी बात को सीरियसली नहीं लेंगे, मुझे ही कुछ करना होगा। इसके बाद सीन बुलमा और विश पर जाता है। विश और बुलमा ड्रैगन बॉल को कलेक्ट करने के लिए जाते हैं और ग्रैंड प्रिस्ट कुछ प्लानिंग कर रहा है और अपना गोकू अब कुछ नया करने जा रहा है। तो क्या हो सकता है आगे, ये जानने के लिए चैनल पर बने रहिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। कल का वेट कीजिए, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।